प्रधानमंत्री स्वतंत्र जी मेरे पहले प्रश्न के साथ समय मेरा प्रारंभ किया। मान्यवर, यदि मेरे पीछे कुत्ता पीछे भाग रहा है, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, तो मैं क्या करूँगा? कुत्ता पीछे भाग रहा है, हाँ, तो मैं क्या करूँगा? देखिए, अब मैं हूँ, मुझे पता है कि ये कुत्ते जब मेरे पीछे आ रहे हैं, अब मुझे क्या लग रहा है? मुझे क्या लग, कुत्ता पीछे पड़ गया, आपके पास सोचने अब कुत्ता मेरे नहीं। तो देखिए, अब मैं हूँ, मेरे अंदर भय व्याप्त है। किसका? बाहर के कुत्ते का। कुत्ते का सुन तो लीजिए, लेकिन किस लिए भय लग रहा है? क्योंकि वो मुझे काट लेगा, तो अल्टीमेटली तो मुझे बर्डन ही है ना। अरे अरे आप वो ऐसा कर लीजिए, तो अगर वो मुझे नहीं काटेगा तो मुझे भय नहीं। केंद्र में कौन है? मैं हूँ, मुझे लग रहा है मुझे काट सकता है, मुझे खतरा है, मुझे अपने अस्तित्व का खतरा है, इस कारण से मैं उससे भागूंगा। मैं अच्छा, मैं अगला प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता हूँ। किसी ने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे दर्द हुआ और मैं रोने लगा, मैं क्यों रोया? आप अभी आपको पता होगा ना। नहीं नहीं मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया ना, मुझे किसी ने थप्पड़ मारा और मैं रोने लगा। अब ये मुझे अब देखिए, अब आपको समझ नहीं रहा। आप ये आपने थप्पड़ खाया है, ठीक है, आपने थप्पड़ खाया जी। अब आपको पता है कि इस कारण से मैंने थप्पड़ मारा है, आपका ही कोई कारण था, और फिर आपने अपने कारण से मारा, तो कोई पागल आके मुझे थप्पड़ मार के चला गया। अब मुझे आप बताइए कि इसमें मैं क्यों, मैं रो रहा हूँ इसमें, तो इधर मैं क्यों रो रहा हूँ? और व्यक्ति नृत्य कर रहा है क्योंकि उसको मतलब एक तरीके से उसने स्टेज पे डांस किया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो व्यक्ति ने स्टेज पे डांस किया, व्यक्ति और उसका स्टेज पे डांस करना, क्या दोनों चीजें सेम है? व्यक्ति और डांस क्या सेम है? नृत्य और डांस यही बात है। अरे अब मैं उत्तर दे रहा हूँ, व्यक्ति और डांस, हाँ हाँ वही पूछ रहा। मैं व्यक्ति हूँ, हाँ, मैं ही नाच रहा हूँ, क्या इन दोनों को पृथक किया जा सकता है? नहीं नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। सुनिए सुनिए, मैं पृथक, मेरा प्रश्न अभी प्रश्न आया ही नहीं है। व्यक्ति और नृत्य सेम है आपके हिसाब से? मैं क्या बोलूँ, मैंने नृत्य को सेम, नृत्य व्यक्ति करता है, ठीक है, नृत्य व्यक्ति, यानी व्यक्ति करता हुआ यहाँ पर, हाँ, व्यक्ति कर किसी के लिए कर रहा है, व्यक्ति किसके, व्यक्ति वो तो मैंने कॉन्टेक्स्ट में बताया ना, व्यक्ति किस लिए डांस कर रहा है, व्यक्ति को किस, ठीक है, तो मतलब व्यक्ति करता हुआ यहाँ पर, ठीक है, करता है। अब मान लेते हैं उस व्यक्ति को मैंने कहा कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, तो जाकर नृत्य कर। अब वहां वो फिर भी नृत्य कर रहा है, इसमें व्यक्ति करता हुआ, मुझे 10,000 रुपए मिलेगी, मुझे पता है मेरा फायदा हो रहा है, फायदा मेरा हो रहा है, मैं कर लूंगा। फायदा आपका हो रहा है, लेकिन यहाँ कारण तो 10,000 रुपए है। नहीं, कारण 10,000 नहीं, कारण मेरा, कारण 10,000 नहीं है, तो कारण मेरा फायदा कैसे हुआ? मेरा फायदा कैसे हुआ? अगर ठीक है, बिना पैसे के आपको बोले डांस करने के लिए कोई व्यक्ति, तो आप कर लेंगे? मेरा फायदा अगर होगा तो मैं कर लूंगा। आपका फायदा यानी कि वहां फायदा कारण हुआ ना। अरे फायदा का, मेरा फायदा, फायदा कारण, फायदा चाहे आपको चाहे मेरा, कोई कारण फायदा नहीं। नहीं नहीं, कोई प्रश्न नेता आंदे थे उपस्थित, ठीक है। भय भारी चीजों का क्या? भय भारी चीजों का, हाँ, मतलब भारी चीज में कुछ ऐसा है जो भय कर देती है? नहीं, भारी चीज ट्रिगर कर रही है भाई मेरे, भारी चीजों को जैसे इंटेंसिटी वाली नहीं भाई, मेरे अंदर एक स्थायी भाव है, लेकिन उसको जो मैं अनुभूति कर रहा हूँ, तो उसका ट्रिगर या उसका स्टिमुलस बाहर। भाव किसके अंदर है? भाव जिसके भी अंदर हो, कारण या ट्रिगर तो कुछ और कर रहा है। नहीं भाव, मैंने क्या बोला भाई, प्रकृति प्रवृत्ति मेरे भीतर है, मान लीजिए ना कि आपके अंदर है भाव, भाव आपके अंदर विद्यमान प्रवृत्ति है, मैं तो शुरू से लेके बोल रहा हूं, ठीक है। अगर ये भाव आपके अंदर विद्यमान ना होता तो क्या आपके अंदर? नहीं नहीं, मान्यवर प्रश्न ये नहीं है विद्यमान होता है नहीं होता, मतलब प्रश्न प्रश्न हमने सेट कर दिया, बर्डन ये नहीं कि मेरे अंदर विद्यमान होता है नहीं होता। अगर इंसान के अंदर विद्यमान है तो आप ये बोल रहे हैं, आप ये नहीं नहीं आप फिर ये बोलेंगे कि इंसान की बायोलॉजी नहीं होती, उसका ब्रेन ही नहीं होता। आप अपने मन से प्रश्न मत बनाइए, प्रश्न ये है आपके अंदर भय विद्यमान है, आपके अंदर अब मना क्यों कर रहे हैं भय विद्यमान? मान रहा हूँ मोहन, आपके अंदर अगर भय विद्यमान है तो फिर अगर आपके अंदर भय विद्यमान है, इस कारण आपको भय लग रहा है? नहीं नहीं, मेरे अंदर भय विद्यमान है, मुझे इस कारण भय लग रहा होता तो मुझे प्रत्येक परिस्थिति में भय लग रहा होता।
अगर मुझे कोई चीज ट्रिगर करे तब भय हो रहा है, इसका मतलब है कि किसी और कारण से भय हो रहा है। वो चीज सबको ट्रिगर क्यों नहीं कर रही है? एक हॉरर फिल्म होती है, क्या वो सभी को समान रूप से ट्रिगर कर पा रही है? अलग अलग इंटेंसिटी में, जिसकी जिस तरह से सोशलाइजेशन है, जिसकी जिस तरह से सोशलाइजेशन है, अलग अलग इंटेंसिटी से अफेक्ट करने। यानी कि अगर अगर मैं बचपन से हॉरर फिल्म देखते बड़ा हूँ तो मुझे कम डर लगेगा, और कोई अगर कभी नहीं देखे तो उसको ज्यादा डरेगा। डर की इंटेंसिटी अलग होगी, लेकिन डर का कारण, लेकिन डर का कारण जो है वो हॉरर फिल्म ही रहेगी। ठीक है, डर का हॉरर फिल्म ही। समाज क्या है? समाज क्या है आपके लिए? समाज सामाजिक, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का ढांचा है जो सामाजिक अनुबंध के अंदर चल रहा है। सामाजिक अनुबंध कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? सामाजिक अनुबंध एक तरीके से व्यक्ति ने बनाया, तो समाज व्यक्ति ने बनाया। व्यक्ति ने कैसे बनाया? कोई हाथ, कोई मटेरियल से बनाया है कि कॉन्शियसली एग्जिस्ट कर रहा है व्यक्ति ने? देखो व्यक्ति क्या, व्यक्ति ने कहा कि समाज में अधिकतर व्यक्तियों की मोरालिटी क्या है, अब उस मोरालिटी के हिसाब से समाज की मोरालिटी बनेगी। इतने सारे व्यक्ति मोरालिटी में मानते हैं। मोरालिटी कहाँ, कौन मानते हैं? आपने मोरालिटी में क्या मानते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगा मेरी करने से अगर आपका गलत हो रहा है तो मैं उस चीज को मोरालिटी में मान रहे हैं ना? मोरालिटी जैसी चीजें मान रहे हैं? अरे कॉमन आइडिया है, कॉमन आइडिया तो यही है ना कि मेरे कुछ करने से आपको बुरा चीज ना हो। मैं करता हूँ, मैं कारण नहीं। आइडिया की, आइडिया किस किस कहाँ पे आ रहे हैं? आइडिया का कारण, आइडिया कहाँ पे आया ये बता। नहीं, आइडिया आया मन में। आइडिया का कारण क्या है, ट्रिगर क्या है, वो ये परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सोशल परिस्थितियों को परसीव कौन कर रहा है? परिस्थितियों का परजीवन देखिए, समझे, परिस्थितियों को परसीव कौन कर रहा है उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि यहाँ पर जो परिस्थितियां एक तरीके से परसीव कौन कर रहा है उससे मैटर उनकी पूछनी नहीं, कौन समझे परसीव कर कौन रहा है। परिस्थितियों को जो इंसान है, इंसान जिस क्षण से जन्म ले रहा है उस क्षण से इंसान की एक जो सोशियोलॉजिकल कंडीशनिंग है वो शुरू हो रही है। अब हमारी कारक कर रहा है, कौन कर रहा है? क्या इंसान कर रहा है परिस्थितियों को परसीव? ठीक है, आपका अंतिम प्रश्न था, मैं इसको उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगा कि परजीवन की जहां तक इन्होंने प्रश्न किया कि परिस्थितियों को परजीव कौन कर रहा है, अब हमें समझना होगा कि जब इंसान के भीतर कोई भी फीलिंग आ रही है वो फीलिंग कैसे आ रही है, इमोशन कैसे आ रहा है, थॉट कैसे आ रहा है। जब इंसान किसी चीज को सुनकर समझकर इंटरप्रेट कर रहा है तो वो परजीवन सारी बात है, लेकिन जब कोई चीज को ट्रिगर करके उसके भीतर के भावों को इंटरप्रेट कर रहा है, उदाहरण मैंने दो दो फेनोमेनन बताए तो उस हिसाब से ठीक है। व्यक्ति बैंकोफेनिया सर्वाइवल के लिए व्यक्ति क्यों लड़ता है, क्यों जीवन भर? व्यक्ति सर्वाइवल के लिए इसलिए लड़ता है क्योंकि उसे स्वयं का मोह है, वहाँ केंद्र में स्वयं का मोह है। स्वयं का मोह क्यों है? स्वयं का मोह इसलिए है क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ, आपने बोला व्यक्ति सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ जन्मा है तो उसे स्वयं से मोह है, स्वयं का हित चाहता है, वहाँ केंद्र में मन नहीं है। वो मन ऐसा परसीवियंस दिखा रहा है कि बाहरी तत्वों से तुम्हें खतरा है और तुम्हें स्वयं से बाहरी तत्वों से खतरा है। मन जो यहाँ पे कारण क्या है, खतरा किससे, बाहरी तत्वों से? भारी तत्वों से, अब समझिए यहीं तो। अच्छा मैं आपको 10 सेकंड क्यों नहीं देते, उत्तर देने कुछ तो ले देते। यहाँ परसीव कौन कर रहा है उस कारण को, यहाँ उस व्यक्ति को लग रहा है, कौन परसीव कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है और कारण व्यक्ति। अगर परसीव आपने मोटिव को थोड़ा आधी लाइन समझिए, अपने हिसाब से आप आधी लाइन का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, बताइए। एक चीज से हर व्यक्ति को इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि कारण व्यक्ति अलग अलग है। कारण एक चीज से व्यक्ति को डर नहीं लगता, व्यक्ति खुद कर रहा है। एक चीज से व्यक्ति को डर नहीं लगता, नहीं लगता। अगर आग लग गई जंगल में और जंगल में 10 लोग हैं तो सबको डर नहीं लगता? जो सब पर मोक्ष, जो सब ये सब, जो सब समाधि पा चुके हैं उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। मौत मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या एक नवजात शिशु को और एक ग्रोन अप एडल्ट को जीवन जीने का, सर्वाइवल का बराबर इच्छा, उनको बराबर इच्छा होगी जीवन जीने की? बहुत अच्छा प्रश्न। जो व्यक्ति जीवन में रहा है उसके, उसने अपने जीवन को ऐसे परसीव किया कि जीवन में तो कुछ रसी नहीं है, उसका मन, उसने अपने मन के कारण ग्रोन अप व्यक्ति समाधि ले चुका साधु है। हर व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं फिर आप? हर व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन, तो समाज में साधु ज्यादा है या गृहस्थ व्यक्ति ज्यादा है? समाज में आज के जमाने में देखें दोनों की संख्या अच्छी, दोनों संख्या की अच्छी। तो महोदय ऐसे में जब कोई नवजात शिशु है जिसको मृत्यु का भय नहीं है और यदि कोई ग्रोन अप एडल्ट है उसको मृत्यु का भय, तो क्यों है मृत्यु का भय, किस कारण से? उसका कारण है उसका मन, चेतन चेतन नहीं देंगे। मेरा प्रश्न है, एक छोटा सा बच्चा है जो किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं कर पा रहा, इस बात से प्रयत्न मतलब कुछ एफर्ट, क्योंकि बच्चा अभी उसने कुछ सीखा नहीं है ना, छोटा सा कुछ एफर्ट नहीं डालता। एक बड़ा व्यक्ति वो कुछ एफर्ट्स कर पा रहा है, ठीक है, एफर्ट्स कर पा रहा है। जो बड़ा व्यक्ति है उसको 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 एक तरीके से उसके कपड़े छीन लिए, उसको मार दिया, उसका घर लूट लिया, तो उस व्यक्ति को एक तरीके से बुरा रहेगा। क्या छोटे बच्चे की उपस्थिति में अगर उसका कमरा वमरा लूट के चले जाए कोई व्यक्ति, क्योंकि आपके हिसाब से मन में ही भय लग रहा है, तो क्या उसको भी बुरा रहेगा? जो छोटा बच्चा है, नवजात है, बिल्कुल उसका घर लूट के कोई ले जा रहा है, उसका मन, अब देखिए महोदय यहाँ दो तरीके आ रहे हैं, यहाँ उसका मन अगर परसीव करेगा तो लगेगा, मन परसीव नहीं करेगा तो शायद ना भी लगे। मन मन, हाँ मेन कारण मन ही है, मन ही कारण है पूरे परसीवरेंस का, और परसीवरेंस नहीं, 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 नहीं।
मन अच्छा अगर वहाँ पे चोरी नहीं होती तो क्या उसको भय लगता? लग सकता है, दीवारों से लगता है, मन दीवारों को परसीव कर लेता, कारण तो मन ही है, कोई एक्सटर्नल वर्ड तो है नहीं। अगर चोरी से भय होता तो हर व्यक्ति को चोरी से भय होता, निर्धन व्यक्ति को चोरी से भय क्यों नहीं होता? क्योंकि चोरी में इंटेंसिटी चोरी नहीं होती, क्योंकि चोरी होती ही नहीं, उसके पास धन ही नहीं होता ना। अंतिम प्रश्न, कोई प्रश्न और ये चाह पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को दुख होता है जी। अब उत्तर देने दीजिएगा, व्यक्ति में जो सुख की चाह होती है उसके कारण ही वो जो सुख की कारण ही वो चाहे कारण सुख सुखी जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, सुख की जो चाह है वही कारण है, लेकिन जो व्यक्ति का मन है स्थान है, व्यक्ति का जो मन है वो एक स्थान है केवल, जो चाह है वही उसे बात कर रहा है। सुख ना अब मेरा अगला प्रश्न इतना, ये चाह किसे है, सुख की चाह कौन करने वाला कौन करता है? जो व्यक्ति है वो तो करता है, लेकिन जो कारण है वो हमेशा से जो सुख की चाह है वही रही है, व्यक्ति जो है हमेशा से करता रहा है। कर्ता और कारण के बीच में जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तभी आप समझ जाएंगे कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ करता है, मन जो है वो स्थान है और जो चाह है वो कारण है जी। आपसे मेरा सीधा प्रश्न ये है, किसी व्यक्ति की कोई चाह नहीं है जी, ठीक है, किसी व्यक्ति की कोई चाह नहीं है जी, अब यही उसकी चाह नहीं है, किसी व्यक्ति की कोई चाह नहीं है, क्या यही उसकी चाह नहीं है जी? यदि किसी व्यक्ति की कोई चाह नहीं है यानी व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त कर चुका है, वैराग्य प्राप्त कर चुका है, वैराग्य को प्राप्त कर चुका है जी, किससे वैराग्य को प्राप्त किया, क्या वैराग्य को प्राप्त हुआ है महोदय, प्राप्त क्या हुआ है? मेरा अपना प्रश्न एक प्राप्त क्या हुआ उसे, वैराग्य को समाज से उसने जितने भी उसके सामाजिक अनुबंध थे उसने सब तोड़ दिए, वैराग्य को प्राप्त कर दिया, उसने क्या पाया वही मैं पूछ रहा हूँ अभी भी, उसने क्या पाया क्या खोया, हमारा विषय नहीं होते, हमारा विषय ही है जो भी हो आप उत्तर दीजिए मुझे जी, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति यदि वैराग्य को प्राप्त कर रहा है तो व्यक्ति ने जितने भी उसके सामाजिक अनुबंध थे सभी को तोड़ दिया, वो सभी को पीछे छोड़कर चला गया। ये रहेगा अगला प्रश्न, ये रहेगा कि अगर चीजें ही भय का कारण है तो एक चीज से उसी चीज से हर व्यक्ति को भय क्यों नहीं लगता, उसमें इंटेंसिक प्रॉपर्टी है क्योंकि महोदय सबकी सोशलाइजेशन अलग अलग हुई है। सोशलाइजेशन क्या है बता दीजिए, सोशलाइजेशन ये कि जिसमें सामाजिक प्रवृत्तियों में पला बढ़ाऊ वो सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ा है या यदि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा है या यदि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है तो दोनों की सोशलाइजेशन अलग अलग होती है। सोशलाइजेशन एक कहां साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालती है व्यक्ति की, सॉरी सोशलाइजेशन व्यक्ति की साइकी पे इंपैक्ट डालती है, सोशलाइजेशन जो है उसके सोचने सोशलाइजेशन उसे सोचने की क्षमता पर, सोचने की क्षमता पर सोच कौन रहा है, मन करता है ना, मन तो मन जो मन कर रहा सोच लेंगे करता है, कारण नहीं है ना मतलब करता है, करता और कारण के बीच में डिफरेंस होता है। अपादान निपादान अपादान कारण के बारे में आप नहीं जानते, मैं ये कह रहा हूँ कि जो करता है और उस कारण है उन दोनों के बीच में अंतर है, जो व्यक्ति है जो मन है वो करता है, कारण जो है वो हमेशा से बाहरी प्रवृत्ति बाहरी रीजन रहे वो हमेशा से रहेंगे जी। बताइए आपसे फिर मेरा वही प्रश्न है, ये बताइए जो अल्टीमेटली परसीव कर रहा है कौन कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, करता है बिल्कुल बिल्कुल करता है हाँ। तो बाहरी ना व्यक्ति के हो सकता है क्या ये चीज, तो करता है ना व्यक्ति, तो कारण नहीं है ना, करता और कारण के बीच में अंतर वही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि चलिए करता है तो आपके कारण से हर व्यक्ति को करता ही कारण नहीं है, हर व्यक्ति करता नहीं होता। तो अंतिम प्रश्न बस मेरा मेन प्रश्न यही है कि आपके कारण और कारण में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी भय की, कारण में है प्रॉपर्टी है बिल्कुल है हाँ, तो उससे उस प्रॉपर्टी से हर किसी को क्यों नहीं लग रहा है प्रश्न, अभी सबको भय लग रहा है परंतु उसकी इंटेंसिटी अलग अलग है महोदय, इंटेंसिटी अलग अलग है, यदि बाढ़ आएगी तो सभी को भय लगेगा, भय लगेगा यदि बाढ़ आएगी तो सभी को भय लगेगा, उस इंटेंसिटी अलग अलग होगी जैसी उनकी सोशलाइजेशन होगी जैसी उनकी समाज की प्रवृत्ति होगी जी। धन्यवाद। नहीं जी।